डीजीपी सम्मेलन में नए आपराधिक कानून, डीप फेक सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण सत्रों में हुए शामिल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, वर्तमान में 131 सक्रिय मरीज। और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भिलाई में ढाई आखर प्रेम का सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। 3 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लिया। सम्मेलन में साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस सेवा में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधारों जैसे पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में अपराध नियंत्रण के लिए हाल ही में बनाए गए नए कानूनों को लागू करने के तौर तरीकों, भावी पुलिस व्यवस्था और यांत्रिक बुद्धिमत्ता तथा डीप फेक जैसी नई तकनीक से उत्पन्न चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्र 2 महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांतों की ओर बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। श्री गोयल ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में वैश्विक निवेशकों की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में 7.7% की वृद्धि देखी गई है और मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। The strength of a Viksit Bharat lies in strong pillars, which are the 28 states and the 8 union territories of India. I believe when Tamil Nadu aspires for a $1 trillion economy by 2030, we are having an ambitious goal of 18% growth every year. And that is what will drive the people of the country. That is what will drive industrialization, new jobs, new work opportunities. The Honorable Prime Minister very recently inaugurated development projects worth over 20,000 crores, nearly $2.5 billion. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में मजबूती आई है और वह विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कल लंदन जाएंगे। उनके साथ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, सेना मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शैपरस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के मुद्दे पर व्यापक बातचीत होने की आशा है। श्री सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने और विदेश मंत्री डेविड कैमरून से विचार विमर्श करने की उम्मीद है। वे ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे तथा लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि युवक युवती परिचय सम्मेलन के आयोजनों से समय और धन की बचत भी होती है, साथ ही वर वधु खोजने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता। आज राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल परिसर में आयोजित सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए लाभदायक होते हैं। आज सत्तावी समाज द्वारा यहाँ पर युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे, तो मैं समाज का बहुत आभारी हूँ। और ऐसे जितने भी बेटा बेटी भैया बहनों यहाँ पर परिचय मतलब दूसरे का प्राप्त करेंगे और आगे चलकर मतलब जीवन साथी के रूप में चुनेंगे और उनका
शादी ब्याह संपन्न होगा तो उनके उज्जवल भविष्य में कामना करता। श्री साय ने कहा कि समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन और आदर्श सामूहिक विवाह में कराकर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे आयोजन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक सम्पन्न हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें पूरी 11 सीटें जीतनी हैं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना द्वारा प्रदेश की माताओं और बहनों को सशक्त करने के साथ उनके खाते में 1,000 रुपए देने का फैसला भी सरकार कर चुकी है। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, अनुसूचित जनजाति विकास मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश प्रभारी महेश गागड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में 2 दिन पहले प्रदेश के सांसद, विधायक, मंत्रियों के बाद विधानसभा में पराजित प्रत्याशियों की बैठक भी आज बुलाई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रोजाना 20 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कल हुए 4,182 सैंपलों की जांच में 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.57% है। वहीं कुल एक्टिव केस 131 है। राजधानी रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 40 सक्रिय मरीज हैं। वहीं कल रायपुर में 11, रायगढ़ में 5, कांकेर में 3, दुर्ग में 2, बेमेतरा, जांजगीर और सुकमा में 1-1 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कल अस्पताल और होम आइसोलेशन से 31 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर देश सेवा का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मिली जानकारी के अनुसार फरवरी के मध्य तक अग्निवीर भर्ती रैली की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जो कि भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी है कि अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भारतीय सेना की वेबसाइट पर बनाकर तैयार रखें, ताकि ऑनलाइन पंजीकरण में आसानी हो। किसी भी स्पष्टीकरण अथवा सहायता के लिए उम्मीदवार शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर के पास स्थित सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-29-65212 या 0771-29-65213 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर होता है, इसलिए भर्ती कार्यालय ने अनाधिकृत व्यक्तियों से सावधान रहने की अपील की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहा है आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जवाहर संपारी हो, मैं पवीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमारे जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों और जिलाधीश के तबादले किए गए। इसी कड़ी में आज बीजापुर जिले के नए कलेक्टर अनुराग पांडे ने पदभार ग्रहण किया।
पदभार ग्रहण करते ही कलेक्टर ने माओवाद पीड़ित महिला पार्वती की समस्या सुनी और तत्काल निदान करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि केतुलनार निवासी माओवाद पीड़ित महिला को शासकीय सहायता के रूप में 5,00,000 रुपए देने के निर्देश हुए थे, लेकिन आज तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। पीड़ित के पुत्र समलू सोढ़ी ने बताया कि 2 साल पहले उनके पिता की माओवादियों ने हत्या कर दी थी, उसके बाद से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आज हम लोग बीजापुर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। आज ही पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हम लोग की समस्या सुने। हम लोग नक्सल पीड़ित परिवार से हैं, हम लोग को पैसा की जरूरत था। तो साहब हम लोग का समस्या सुने और हम लोग को समस्या का निराकरण कर दिए और हमको पैसा मिलने का आश्वासन दिए। ओ साहब बोले मस्त बस बताने और होते साहब बोले और काय बीमारी है बल बस हम लोग सब पास है मैं खूब बीमारी नाश हो मैं बच्चे मान बलून बाटी सांग ले पैसा वाला में मैं अस्पताल बन नहीं दे मैं दुनिया घर ने उड़ल से उग नहीं सके बलून बाटी मैं सांग ले अच्छा खुशी ने उड़ल से। कलेक्टर त्वरित पहल का पीड़ित परिवार और वहां उपस्थित सभी लोगों ने स्वागत किया। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक मासूम और उसके परिजनों के लिए वरदान साबित हुई है। राजधानी रायपुर के मेकाहारा से संबंध एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों के नाम भी एक और उपलब्धि जुड़ गई है। डॉक्टरों की टीम ने 4 साल के एक मासूम बच्चे के हृदय में पेसमेकर लगाकर उसे नई जिंदगी दी है। इस संबंध में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चे को जन्म से ही हृदय संबंधी समस्या थी, जिसकी वजह से इस बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने इस बच्चे के हृदय का सफल ऑपरेशन कर इसके हृदय में पेसमेकर लगाया है, जिसके बाद से ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जी हाँ, बड़ों में खासकर बुजुर्गों में कई बार जो है हार्ट की नसें जो नर्व्स रहती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें हार्ट की गति धीमी हो जाती है, ऐसा संभव रहता है। बच्चों में ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है, लगभग 20,000 जन्म में एक बच्चे में ऐसा विकार आ सकता है और उनमें भी जनरली पेसमेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस बच्चे के साथ में ऐसा था कि उसको जैसे वो 2 वर्ष से ऊपर का हुआ जब भागना दौड़ना शुरू किया तो माता पिता को समझ में आया कि बच्चा उनका पिछड़ जा रहा है, हाफता है, उसमें बहुत जल्दी थक जाता है। इस बच्चे को पेसमेकर की ज़रूरत रही और ऐसे कम उम्र में चूंकि बच्चे का वजन भी बहुत कम था हम लोग कार्डियक सर्जन को देते हैं जो छाती खोलकर वहां पे 2 या 3 तार लगा देता है हार्ट के ऊपर। लेकिन इस बच्चे के साथ में ये कोशिश की गई कि हम बिना छाती खोले बिना किसी तरह का उसको ऑपरेशन का निशान दिए एक तार अंदर डाल के हार्ट में पेसमेकर डाल सके और ये प्रयास किया गया। ईश्वर की कृपा थी कि वो प्रयास सफल भी हुआ, बच्चा स्वस्थ है और उसका हार्ट अब अच्छे ढंग से काम कर रहा है। ऐसे ही एक अन्य मामले में गरियाबंद जिले के नागेंद्र सिन्हा आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने बच्चे का इलाज कराने में असमर्थ थे। ऐसे में भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना इनके लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के जरिए बच्चे के हृदय का ऑपरेशन पूरी तरह से निशुल्क किया गया। हम और लड़का के धड़कन कम रिसर्च फिर प्राइवेट में मतलब हॉस्पिटल जाए खासी से पता चली इसकी धड़कन कम है करके फिर प्राइवेट सुझा फिर सरकारी की बताई इसमें कहा रहा है इसमें सिर्फ वहाँ फिर ऑपरेशन इस बच्चे बड़े स्वस्थ है 8 से 10 लाख रुपए का खर्चे बताए इस प्राइवेट में फिर सरकारी शासन द्वारा हो गए कर रिवाज स्वस्थ है बच्चा। आयुष्मान योजना से मिले लाभ के कारण अब ये बच्चा पूरा तरह से स्वस्थ है और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रदेश में बीते 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, लेकिन कई जगहों पर धान खरीदी बंद होने से किसानों में रोष व्याप्त है। कांकेर जिले के अंतागढ़ के कोयली बेड़ा धान खरीदी केंद्र में बीते 2 दिनों से धान खरीदी बंद है। इससे किसान नाराज हैं और इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र के किसानों ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर जल्द धान खरीदी शुरू करने की मांग की। किसानों का कहना है कि धान खरीदी को कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में धान खरीदी बंद होने से किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। हमारे धान खरीदी बंद है 3 दिन तक की। अब प्रबंधक कहते कि जगह के प्रॉब्लम धान नहीं उठते, मैं कहाँ रखे रहूं जे इसलिए मैं बंद करता हूँ। कहते थे पर हम ये 18 पंचायत के यहाँ जमा हो करके सब जन यहाँ बात करें कि
जल्दी से जल्दी उठाव नहीं हुआ थे, उठाव होती थे जगह खाली होती थी, यहाँ सब चीज़ के कमी है, भूसा के कमी है, सब के जगह के कमी है। मैं इसीलिए नहीं खरीदा हूँ, कहाँ से ले दे करके आज ये कर रहे हैं, तो सोमवार से चालू करूँ कहीं से। किसानों का अभी तक लगभग 1300 पंजीकृत किसान है, उसमें से लगभग 300 किसानों का धान खरीदी हुआ है, बाकी 1000 किसान अभी बचे हुए हैं और सभी लोग खर्ज लिए हुए हैं, उनको खर्ज लिए हैं, उन चिंता हो रहा है और धान अभी तक उठावा नहीं हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारी समस्या है कोलीबड़ क्षेत्र के किसानों के लिए। तो अदेन काशी माँ की चुप दियंग बड़े मात्र में जब वलैंग दिया ना समय में नहीं ले कि लगभग 10 से 15 दिए ना समय मनता यानी बच्चों किसान लगभग 1300 किसान लोग पंजीकृत मंतुर हो रहा हिसाब से तो मतलब आधा किसान लग गया खरीदी आई हुई यानी उठाव आई जल्दी असके इजे पिछले किशोर लोरंग वंजिंग मम्मी आयनु यानी अचोड़ा गया आए बेचो इदो के इदे ता मतलब के खरीदी ता डेट बेर सीमा कुन। वर्तमान में कोयलीबेड़ा धान खरीदी केंद्र में 1239 किसान पंजीकृत हैं, इनमें से 395 किसान से अब तक 20,220 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें से केवल 920 क्विंटल धान का ही परिवहन हो पाया है, जबकि 19,260 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है, जिसके चलते जगह की कमी बनी हुई है। वहीं धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने जगह के अभाव में धान खरीदी बंद बताया है। राजधानी रायपुर के रजबंधा मैदान स्थित शहीद स्मारक भवन में पुलिस संगीत की महफिल एक बार फिर से गुलजार हुई, जिसमें पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों ने सुमधुर आवाज से सभी दर्शकों को बांधे रखा। इसका प्रमुख उद्देश्य आम जनता के बीच में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे, आम जनता से मेल मिलाप बहुत अच्छे से रहे, जो कन्फ्यूजन हो उसे कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं आम जनता को कि पुलिस बहुत सख्त होती, तो ऐसा नहीं है। बस इसी उद्देश्य से हम लोग ये रायपुर पुलिस संगीत चालू किए हम लोगों ने, उसमें जिसमें 20 सिंगर्स हैं अपने पुलिस अधिकारी DSP रैंक से लेकर के कांस्टेबल रैंक के अधिकारी तक। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इससे पुलिस कर्मियों को भी मानसिक आराम का समय मिलता है, साथ ही जनता के बीच पुलिस की छवि भी बेहतर होती है। पुलिस संगीत ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संगीत संध्या का आयोजन किया है, निश्चित रूप से ये अनुकरणीय पहल है और पुलिस की तनाव भरी थकान भरी ड्यूटी करते हुए भी संगीत पर रुचि रखना, संगीत के लिए काम करना, ये निश्चित रूप से हमें एक आंतरिक ऊर्जा और शक्ति देती है। तो निश्चित रूप से बहुत शानदार आयोजन है, ग्रुप के सभी सदस्यों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संगीतमयी इस आयोजन ने उपस्थित दर्शकों की वाहवाही लूटी और आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाने की अपील की। रायगढ़ में आयोजित 28वें राष्ट्रीय समारोह इप्टा के 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। इप्टा की आखिरी प्रस्तुति नाटक डार्क हॉर्स रही। नाटक डार्क हॉर्स उन युवाओं की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए देश के हर हिस्से से निकलकर IAS या IPS जैसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं और इसी परीक्षाओं के लिए उन्हें कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये कोचिंग सेंटर अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बाजार है और युवा वर्ग अधिकारी बनने के लिए इन कोचिंग सेंटरों के जाल में फंस जाते हैं। इस विषय में सफल और असफल होने के बीच युवा जो जीवन जीता है उनके संघर्षों का, आदर्श का और सफल होने की जिद की कहानी है ये नाटक डार्क हॉर्स। दर्शकों ने बताया कि इस नाटक को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सच्ची घटना देख रहे हों। उसमें एक जर्नी दिखाई गई है एक एस्पिरेंट की, कैसे वो दिल्ली के फर्जी नगर पहुंचता है और उसके बाद वो किन किन हालातों से गुजरता है और कितना संघर्ष करना पड़ता है वहाँ पर, इतना आसान नहीं होता है, एक IAS ज़्यादा कठिन होती है और ये पूरी जर्नी हमने आज इस नाटक के जरिए, इस नाटक के माध्यम से एक प्रकार से कहीं ना कहीं शिक्षा के जो आजकल सहीकरण के
जो हो रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं करारा व्यंग डालता है ये नाटक। आज हम देखते हैं कि शिक्षा के नाम पर जो एक हर जगह खाना पूर्ति की जो स्थिति होती है उसके ऊपर भी इसके व्यंग दिया गया, और एक युवा अवस्था में क्या क्या दिक्कतें आती है उस पूरी कार्य प्रणाली को उस चीज को स्टेप बाई स्टेप इसमें नाटक में समझाया गया। नाटक के निर्देशक हीरा मानिकपुरी ने बताया कि नाटक डार्क हॉर्स युवा वर्ग के संघर्ष की सच्ची कहानी है। लोकपाल मृणाल द्वारा लिखा हुआ ये उपन्यास है डार्क हॉर्स, जिसमें उन्होंने जो युवा वर्ग है जो आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं और वहाँ जो वो जो कोचिंग को एक अपना जो उद्देश्य है उसको भूल करके कोचिंग के मायाजाल में जो फंस जाते हैं वहाँ जो संघर्ष करते हैं उसकी कहानी को उन्होंने बहुत अच्छे से पिरोया हुआ है। इस नाट्य समारोह में रायपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ की नाट्य संस्था के साथ इप्टा की इकाइयों के नाटक प्रदर्शित किए गए। हम आपको बता दें कि रायगढ़ में ये समारोह जन सहयोग से बीते 28 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए नाट्य संस्था इप्टा द्वारा देश भर में ढाई आखर प्रेम का सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस 28 सितंबर को राजस्थान से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंची। भिलाई में ये यात्रा भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट से प्रारंभ होकर मूर्तिकार पद्मश्री जे एम नेल्सन कला केंद्र पहुंची, जहां यात्रा में शामिल साहित्यकार और कलाकारों ने जे एम नेल्सन का सम्मान किया। भिलाई के बाद ये यात्रा दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ होते हुए 12 जनवरी को अंबिकापुर पहुंचेगी। यात्रा में शामिल इप्टा के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य देश भर में एकता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, संस्कृत कर्मियों से मिलना, उन कलाकारों के परिवारों से, उन कलाकारों से मिलना जो समाज से थोड़ा सा अलग हो गए हैं लेकिन उन्होंने समाज को बहुत दिया है, वो समाज को जोड़कर रखना चाहते थे और उन्हीं का ये संदेश जो हमने कबीर से इकट्ठा किया, जो हमने गुरु नानक से इकट्ठा किया, जो यहाँ घासीदास बाबा कहते थे मनुक एक समान, तो वो उस विचारधारा को लेकर हम ये अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं और ये यात्रा यहाँ से चलकर रायगढ़ जाएगी, वहाँ से अंबिकापुर जाएगी और इस तरह फिर दिल्ली जाएगी और दिल्ली में राजघाट में इसका समापन होगा। यात्रा है जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है ढाई आखर प्रेम की यात्रा है। ये प्रेम और सद्भावना को लेकर निकाली जा रही इप्टा की तरफ से ये यात्रा है। इसके पूर्व में भी ढाई आखर प्रेम की एक यात्रा निकली थी, उसी का ये द्वितीय चरण है। क्योंकि आज हमारे समाज में सहिष्णुता बहुत ख़त्म हो रही है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ते जा रही है, लोग आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम बढ़े, एक दूसरे के संस्कार को, संस्कृति को जाने समझें, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे 22 प्रदेशों में यात्रा निकली है, अभी छत्तीसगढ़ में आज से ये 7 जनवरी से 12 जनवरी तक ये यात्रा यहाँ चलेगी। वहीं मूर्तिकार जे एम नेल्सन ने भी यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक किताबें भी प्रेम और स्नेह का संदेश देती है। गौरतलब है कि ये यात्रा 22 राज्यों का भ्रमण करने के पश्चात 30 जनवरी को दिल्ली स्थित राजघाट पर जाकर सम्पन्न होगी। पूरे भारत में एक परिवर्तनकारी अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है, जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यह अभियान आशा का एक जीवंत कारवा है। इस अभियान के जरिए भारतीयों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कराना है। छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान जोर शोर से जारी है। अभियान के तहत बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के कर्रा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना और राशन कार्ड का लाभ लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पहुँचाया जा रहा है। लाभान्वित हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए योजना से उनके जीवन और परिवार कल्याण में आए सुधारों के साथ उनको मिले लाभों की जानकारी साझा की।
कर्रा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे हैं। यहां बहुत सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना सारा योजना है सभी के तहत सब कर्मचारी लोग पहुंचे हैं और यहां बहुत सारे कर्रा गांव का हितग्राही लोग आए हैं जो ये योजना का लाभ भी ले रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना हो गया, विकसित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, जीवी बिहान योजना के तहत महिलाओं भी सब कोई उपस्थित हैं और ये सब योजना का लाभ भी ले रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं सब। जो कि हम मोदी सरकार की जो गारंटी योजना है, कई प्रकार की योजना है, महतारी बंधन है, वृद्धा पेंशन है, गर्भवती महिला संबंध है, हमार पशु धन वाला है, हमार ग्रामीण विकास वाला है, हमार स्वास्थ्य यांत्रिकी वाला है, बिजली वाला है, सभी योजनाएँ हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम रखे गए है और ये हमारे गांव गांव घर घर तक पहुंचा थे। हाँ, यहाँ शिविर लगा है आज हमारे गांव में, तो जो किसान सम्मान निधि योजना है प्रधानमंत्री का, उसके मतलब उसी के तहत आज फॉर्म डाला हूँ। और मातृत्व वंदना में पहली गर्भवती माँ बोला, पहली माँ 1000 फार्म भर होता 1000 की राशि मिली से, एक बार दूसरा फार्म भर होता फिर 2000 की राशि मिली से, फिर तीसरा फार्म माँ बोला फिर 2000 की राशि मिली से, कुल मोला 5000 की राशि मिली से। और ये योजना बहुत अच्छा है, मैं मोदी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और योजना और आगे बढ़ाए। आकांक्षी जिला कोरबा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। नगर निगम क्षेत्र में आयोजित 15 शिविरों में बड़े पैमाने पर लोगों को केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा गया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई ने बताया कि नगर क्षेत्र में कुल 15 शिविर किए जाना है, जिसमें 28,000 से अधिक हितग्राहियों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। इन शिविरों में 20,000 लोगों ने अलग अलग योजनाओं के लिए अपना पंजीयन कराया है। इसके साथ ही शिविर में 2,000 से अधिक हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया, 5,000 से अधिक हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा का वितरण भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नगर निगम कोरबा में टोटल 15 कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 28,000 लोगों ने कैंप को अटेंड किया और लगभग विभिन्न योजनाएं और जो संकल्प था, क्विज वगैरह जो भी एक्टिविटीज थी, उसके अंतर्गत लगभग 20,000 लोगों ने अलग से रजिस्ट्रेशन की है और जिसमें स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की एप्लीकेशन लगभग हमारे पास 600 प्राप्त हुई हैं, आयुष्मान कार्ड लगभग 2000 हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हेल्थ कैंप भी लगाया गया था तो लगभग 5,000 से अधिक लोगों ने हेल्थ कैंप में निशुल्क दवाई और चेकअप का लाभ पाया है। आधार का भी कैंप लगा था, टोटल 2700 लोगों ने जानकारी ली और साथ ही साथ अराउंड 1,000 लोगों ने उसमें विभिन्न आधार को अपडेट कराना, EKYC का काम किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हमको लगभग 200 एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3,000 लोगों ने EKYC अपना करवाया है और आवास योजना के लिए भी हम लोगों को आवेदन प्राप्त हुए हैं। हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए अपने जीवन में आए बदलाव की जानकारी भी साझा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। DGP सम्मेलन में नए आपराधिक कानून, डीप फेक सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण सत्रों में हुए शामिल। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, वर्तमान में 131 सक्रिय मरीज। और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भिलाई में 2.5 आखर प्रेम का सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।